हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे किसान भाई अपनी फसलों पर एक साथ बोरॉन को सागरिका को और कैल्शियम नाइट्रेट को क्या इन तीनों को आपस में मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं या फिर नहीं ज़्यादातर सागरिका का इस्तेमाल वेजिटेटे बढ़वार के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक सीविड एक्स्ट्रैक्ट है जो कि बढ़वार के लिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भांति काम करती है और जो सागरिका का डोज है पंद्रह लीटर पानी में पच्चीस से तीस एम और कैल्शियम नाइट्रेट पर कैल्शियम भी है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है जो कि हमारी फसल को तीव्र गति से हरी भरी करती है तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म है और कैल्शियम की इसमें मात्रा है वहीं बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन है ट्वेंटी वाली जो कि चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे से काम करती है जिसका डोज है एक लीटर पानी में दो ग्राम की दर से आप प्रयोग कर सकते हैं और कैल्शियम नाइट्रेट का यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक लीटर पानी में दो से तीन ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं क्या आप इन तीनों को आपस में मिक्स करके प्रयोग करें या फिर ना करें वीडियो को पूरा वॉच करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो मिक्सिंग टेस्टिंग के लिए दो लीटर पानी काफ़ी है इसी पर हम टेस्टिंग करने वाले हैं सबसे पहले हम मिक्स करते हैं बोरॉन को बोरॉन हमारे पास है ट्वेंटी परसेंट वाली ये है बोरॉन तो सबसे पहले हम बोरॉन को मिक्स कर लेते हैं अब हम इस पर मिक्स करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट को ये है कैल्शियम नाइट्रेट खाद जो कि हमारी फसल को तीव्र गति से हरी भरी करती है तो कैल्शियम नाइट्रेट को भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर लेते हैं और ठीक तरीके से इसको हम घोल देते हैं कैल्शियम नाइट्रेट खाद ठीक तरीके से घुल चुकी है अब हम मिक्स करने वाले हैं सागरिका को ये है सागरिका और सागरिका को भी हम ठीक तरीके से घोल देते हैं और ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं तो जी हाँ दोस्तों रिजल्ट और निष्कर्ष ये हैं कि आप अपनी सब्जियों पर लहसुन है प्याज है गोभी बंदा है गार्लिक है ओनियन है मटर की क्रॉप पर और भी अन्य प्रकार की सब्जियों पर सरसों पर कैल्शियम नाइट्रेट को बोरॉन को और शागरिका को आपस में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं जो घोल है कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है तो आप इजीली इन तीनों को मिक्स करके अपनी क्रॉप पर अपनी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा धन्यवाद